शिक्षार्थी जीवन की सभी महत्वपूर्ण खबरों में आप सभी का स्वागत है। समूह गा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए 37 लाख आवेदन। लखनऊ विशेष संवाददाता की रिपोर्ट है कि समूह गा के लिए पदों में होने वाली भर्ती से पहले आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसको हम पिट बोलते हैं, रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन हुआ है और पिछली बार 20 लाख आवेदन हुआ था, वहीं पर इस बार 37,34,000 युवाओं ने आवेदन किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिकॉर्ड है। वर्ष 2021 की अपेक्षा डबल आवेदन हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर बेरोजगारी है। अगली खबर की बात करें, अन्वेषकों के समायोजन पर विचार का निर्देश दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की अनौपचारिक शिक्षा के सर्व शिक्षा अभियान के योजना के तहत कार्यरत अन्वेषकों को अन्य विभाग में समायोजित करने पर विचार करने का निर्देश दिया है। कहा है कि कोर्ट के आदेशानुसार राज्य सरकार ने समायोजन की कोई योजना अभी तक तैयार नहीं की है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने कौशाम्बी के अंबिका प्रसाद उपाध्याय व अन्य 15 लोगों की याचिका पर निस्तारित करते हुए किया है। अगली खबर की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर छात्रवृत्ति आवेदन में अब मिलेगी यूनिक आईडी, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो आपका स्कॉलरशिप है उसके लिए एक आपको स्पेशल यूनिक आईडी दिया जाएगी और हर वर्ष छात्रवृत्ति के आवेदन पर नहीं लगाने पड़ेंगे प्रमाण पत्र। समाज कल्याण विभाग की तरफ से दसवोत्तर छात्रवृत्ति में शुरू करने जा रही ये नई सुविधा, जिससे छात्रों को स्कॉलरशिप मिल सके, इस कारण ये व्यवस्था चलाई जा रही है। छात्रवृत्ति के आवेदन में अब छात्रों को हर वर्ष अपने प्रमाण पत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पूरी अपडेट दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप भीमा चित्रा टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। प्रवक्ता भर्ती मुख्य परीक्षा में 83% परीक्षार्थी अभ्यर्थी शामिल हुए और प्रयागराज की रिपोर्ट है कि राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के 124 पदों पर भर्ती के लिए रविवार को आयोजित मुख्य परीक्षा में 83% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। परीक्षा लखनऊ के 4 केंद्रों में आयोजित की गई है और प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा 2021 के लिए कुल 1473 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। यहां पर आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो परीक्षा के परिणाम तक विवादों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती रहे और अंतिम चयन जो है परिणाम जारी होने के बाद सामने आने की बात की गई है। अगली खबर आपके स्क्रीन पर यह है कि 90 लाख से ज़्यादा किसान सम्मान निधि से वंचित होंगे और यहां पर 31 जुलाई तक महज 1,70,00,000, यानी कि आप समझ सकते हैं लगभग 2.25 करोड़ का ही KYC हो चुका है। और जो यहाँ पर और अन्य लोग हैं उनके पैसे जो 12वीं किस्त है वो आने में दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर पूरी रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। तो आज की ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। और फाइनली वीडियो को डेली अपडेट पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और यहाँ पर 132 पद हैं PDIL में, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप 28 अगस्त तक कर सकते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 31 पद हैं, यहाँ पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो आज की समाचार यहीं पर समाप्त होती है। RCFL में अवसर हैं 396 पदों पर, अगर आप यहाँ पर भी आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे आपसे कल की वीडियो में।